Guys, so very good evening and a very warm welcome to the session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazing. Kya haal hai bachcho? All good? How's life? Super cool? Super cool? Yes? Gaming Sagar, Shreya, Study Buddy, Jamila, hi Dave, hello Trisha, Shivam, Devan, Shashwat, Jyoti. Hello everyone, hello Ash, Om, Ragini, Donna, Pragati, hello Maria, Sunita, very good evening and a very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. Guys, what are we going to discuss today? CISCE ki syllabus jo hai wo reduce kar di gayi hai, probably aur reduce hogi, hame abhi pata nahi hai. Let's just see and hope if they follow the same pattern as last year. But as of now, हमें ये पता है कि history, civics, geography के कुछ portions हटा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ हटाए नहीं गए हैं, there are also few portions यहाँ पे थोड़ी सी addition की गई है. तो आज हम फटाफट बात कर लेते हैं कि what are the portions which have been removed. बहुत ही detailed each and every small topic, subtopic has been mentioned for you. And also, what are the subtopics or the smaller topics or just in general a heading that has been added in the syllabus? So, kya nikala gaya hai, kya add kya gaya hai, ye sari cheeze aap ago pata chal jayengi aaj aur abhi. To hum dekhne wale hai ICSE ka 2020 ka revised syllabus. Par mujhe ye batao ki kitne bache yahan pe super excited hai ki finally bhagwan ne hamari sun li. Oh god, you have answered our prayers and the syllabus has been reduced. How many of you are feeling like super relieved? और अभी उम्मीद भी करें कि और रिड्यूस होगा. सीबीएसई कब करेगा बेटा? कर ही देगा, जल्दी से कर ही देगा वो भी, है ना. हाय शुक्रीन, हाय बच्चे, अभिषेक. सीबीएसई बोर्ड का कब आएगा नहीं पता है ना, पता चलते ही संजीव वो भी कर लेंगे हम. त्रिशांत कैसा लग रहा है? मेंटी नहीं, आज मेंटी नहीं है. सबको लग रहा है, आई थिंक एवरी वन इज लाइक यस मैम, इट्स मी. आई एम टोटली फीलिंग वेरी रिलीव्ड. ओके, सो गाइज, ऑल द स्टूडेंट्स हू हैव बीन फीलिंग रिलीव्ड, उनके लिए भी और जिनको नहीं लग रहा है उनको थोड़ा आराम देने के लिए, चैन देने के लिए ये रहा आपके लिए डिस्कशन. सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का. इसमें क्या चीजें हटाई गई हैं? देखो बच्चा, एज आई वॉज टेलिंग यू दैट देयर आर वेरी माइनर चेंजेस मेड. ओके, माइनर चेंजेस हैव बीन मेड एंड दीज माइनर चेंजेस मे बी इंक्रीज्ड फर्दर, ये शायद आगे भी बढ़ा दी जाए. ठीक है, सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि आप अभी के लिए इसके हिसाब से प्रेप करोगे. आगे जैसा होगा हमें पता चल जाएगा, हम सेशन करेंगे आपको बता देंगे. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ रखना है ध्यान. सबसे पहले शुरू करते हैं सिविक्स के पहले चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर से. बच्चे, इसमें जो आपके लोकसभा का टर्म्स, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही रह जाएंगी. ठीक है, कि सेशन कैसा होता है, उसमें कोरम का मतलब, क्वेश्चन आर का मतलब, एडजर्नमेंट का मतलब, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब, ये सारी चीजें हमें अभी भी कवर अप करनी है. तो क्या कवर नहीं करना है? So guys, in the session you will see whatever is highlighted in blue is basically what has been removed from syllabus. ठीक है, तो आपको जो कुछ भी blue में highlighted दिखेगा, that is what has been removed उस जगह से जो हमारे पास already था. और जो आप white में देखोगे ये वो होगा जो हमारा add किया गया है. ठीक है, चलो बिल्कुल रखते हैं. टारगेट ऑफ लाइक तो 250 तो बहुत कम है यार. बच्चों, तुम लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक. भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इस पे तो तुम्हें लाइक्स और हार्ट्स भर देने चाहिए चैट में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह. आई मीन लाइक दिस हैज टू गो अनसेड, राइट? तो इसी बात पे मेरे प्यारे बच्चों हिट कर दीजिए लाइक बटन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. द टारगेट हैज टू बी 2500, नॉट जस्ट 250. क्या कहते हो, 2500 का टारगेट रख दे क्या? रख देते. अरे बाबा, ज्योग्राफी भी पता करेंगे अभी तो. ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये कह रही थी कि स्पीकर जो है उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है, बट उनके बारे में हम पढ़ते थे कि उनका इलेक्शन कैसे होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं. अब हमें फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना है स्पीकर के इन द चैप्टर ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर.
ठीक है, उसमें राज्यसभा में सिमिलरली आपका कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एटसेट्रा, ये सारी चीजें रह जाएंगी. क्या हटा दी गई है वो है पावर्स एंड फंक्शंस. बच्चों कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हमने पिछले साल, मतलब आपने ने लास्ट एक्चुअली बैच के साथ भी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हटा दी गई थी. इस बार भी वैसा ही हुआ है. हमारे साथ जुडिशियल, इलेक्टोरल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर्स जो है राज्यसभा की वो हटा दी गई है. तो ये भी अब हमें यूनियन लेजिस्लेचर के अंडर कवर नहीं करना है. ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जहां पे हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यू नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं. इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं. इनमें हटाया क्या गया, अगेन इनका क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये सारी चीजें जो बेसिक आपका इनका प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट वगैरह प्रेसिडेंट के लिए होता है, वो सब हमारा सिलेबस का पार्ट अभी भी है. क्या हटाया गया है, तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम पढ़ते हैं. उन पावर्स में हमें पढ़ना है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव. हटेगा फाइनेंशियल एंड जुडिशियल. तो डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स हम आज भी पढ़ने वाले, मतलब हम अभी भी इस बार सिलेबस में कवर करने वाले एज ऑफ नाउ. आगे का देखेंगे क्या होगा. सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का हम सिर्फ जो भी है एक भी पावर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है. ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो बच्चा हमें उनके फंक्शंस जो है पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी, दिस इज फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमें नहीं पढ़ना है. बाकी आपकी कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस डिफरेंस बिटवीन काउंसिल, COM एंड कैबिनेट, दिस इज स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. देन कम्स द जुडिशरी, जो कि आपका है बेसिकली पहला सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में हम कैसे देख, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर रिमूव, दिस हैज बीन रिमूव्ड एंड वी डू नॉट हैव टू कवर दिस एनी मोर. ठीक है, कितने कितने बच्चों को, अभी मैं रांची में हूं, मैं कल सुबह पहुंच कल जा रही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टुमारो. ओके, सो दिस इज एक्चुअली माई लास्ट लाइव सेशन फॉर द नेक्स्ट 2 weeks. यू कैन सी मी और सी माई प्रीमियर सेशन. सो या, सो गाइस, हाई कोर्ट का हमें सिर्फ पढ़ना है कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस एंड अपॉइंटमेंट. रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हाई कोर्ट. ओके, एंड देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं. सो दैट वॉज फॉर सिविक्स. मूविंग ऑन टू हिस्ट्री. हिस्ट्री में आप अगर बात करते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट की 1857 से 1917 वाला, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हटा दिए गए हैं. कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं करना है. फैक्टर्स जो लीड कर रहे थे नेशनलिज्म को, उसमें हमें इकोनॉमिक और आपके रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, ये फैक्टर्स नहीं करने हैं, नीड नॉट बी कवर्ड. सो दिस हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड. अंडर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की फॉर्मेशन के अंडर हमें वापस कुछ चीजें नहीं करनी है. हमें बात नहीं करनी है INA के बारे में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में बात नहीं करनी है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादाबाई नौरोजी ने बनाए थे प्रीकर्सर्स के तौर पर, इन दोनों चीजों को हमें छोड़ देना है. हमें सिर्फ ये बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब, कैसे, क्यों फॉर्म हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उनके सेशंस कब, कहां, कैसे हुए थे, और कौन से प्रेसिडेंट्स थे इन सेशंस में. ठीक है, फिर अगर हम आते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1907 तक, ठीक है, तो ये जैसा था वैसा ही रह गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई गई हैं. ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस की गई हैं, जैसे कि हमने ब्रीफ मेंशन ऑफ द सूरत स्प्लिट, जो हमने देखा था ना कि रेडिकल्स और मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हो जाता है विद इन कांग्रेस, उनको निकाल दिया जाता है रेडिकल्स को, ये पोर्शन सूरत स्प्लिट में हमने देखा था, ये अब हमें नहीं पढ़ना है. साथ ही साथ हमें फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी नहीं पढ़ना है. इनकी मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है. देखो समझो, ऑब्जेक्टिव्स मुस्लिम लीग का पढ़ेंगे हम, बट उसके फैक्टर्स व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ये नहीं पढ़ने वाले हम, ये कवर नहीं करने वाले. ठीक है, ऑल्सो वी हैड स्पोकन अबाउट द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ये पैक्ट भी अब हमारे पोर्शन से एलिमिनेट कर दिया गया है. सेकेंड आता है आपका मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट 1915 टू 1947, ये जो बेसिकली गांधियन एरा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं उस पार्ट में. इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान के जो क्लॉजेस हैं वो हटा दिए गए हैं. पहले भी सिर्फ क्लॉजेस थे, बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं था, वो क्लॉजेस भी जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं. ठीक है, शिवम यू डिड अमेजिंग अमेजिंग स्टडी. मनीष सरीबडी मिथलेश, हेलो बच्चे, सो स्वीट ऑफ यू.
Yash and you. Hi, Mr. Govind FF. Hello, hello. Study your way. Hi, बच्चे. ठीक है. मैं रांची में कहाँ हूँ? मैं रांची में रादू रोड में हूँ. ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. बच्चा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम कॉजेस पढ़ेंगे, जिनमें से एक कॉज जो है आर्मामेंट रेस. ये हमारे सिलेबस का हिस्सा अब नहीं है. ठीक है, और कुछ रिजल्ट्स थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इस वॉर के, उनके बारे में भी अब हमें नहीं पढ़ना है. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कवर होगा, उसके अलावा आपका जो लीग ऑफ नेशंस और इनका फॉर्मेशन और टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट थे, दैट हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड. अब देखो, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स में जो भी हमारा पहले का पोर्शन था, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. ये ध्यान से देखिएगा, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और उसके बदले सिर्फ एक चीज ऐड कर दी गई है, वो है आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म जो इटली में फॉलो हो रही थी और नाजिज्म जो जर्मनी में फॉलो हो रही थी. सिर्फ ये सिमिलैरिटी करनी है हमें, बाकी राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो इसमें पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अब हमें नहीं पढ़ना है. जो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, जो हमारा पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली ड्रॉप किया गया था, ये सारी चीजें और उनके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर और यूनाइटेड नेशंस और कोल्ड वॉर के बारे में, जो एक्चुअली रशिया और यूएस के बीच में छिड़ती है, दो सुपर पावर्स के बीच में, वो अब हमें डिटेल में कवर नहीं करना है. बेसिकली इट हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑफकोर्स नहीं हटाया गया है. उसके क्या चीजें नहीं हटाई गई है? ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट हैज नॉट बीन रिमूव्ड, एंड द कॉम्पोजिशन हैज ऑल्सो नॉट बीन रिमूव्ड. जो फंक्शंस थे इन सारे यूनिट्स के, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजों के फंक्शंस रिमूव कर दिए गए. एट द सेम टाइम जो आपका यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, इनके भी फंक्शंस जो है, बेसिकली हर एक ऑर्गन्स के ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस फंक्शंस रिमूव कर दिए गए हैं. ठीक है, शिवम सिंह, क्या क्वेश्चन है बच्चे? मंजू, हेलो. अभी तो ये ICSE के लिए हो रहा है, CBSE के लिए भी हो जाएगा, है ना बच्चे? कल्पना पटेल, यस आई डू. हां जी अथर्फ, ठीक है, नहीं शादी 15 जुलाई को है, 14 जुलाई को संगीत है. ठीक है, उसके बाद अगर नॉन नाम की बात की जाए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बच्चा इसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, इसका मतलब पढ़ना है, आइडिया पढ़ना है, नेम्स पढ़ना है, लेकिन हमें पंचशील और रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन नाम नहीं पढ़ना है. लेकिन यहाँ पे एक एडिशन है. ओ गाइज, आई एम सो सॉरी, आई एक्चुअली सेड अपोजिट, द वाइट इज एडिशन, दिस हैज बीन एडेड, इट्स नॉट बीन रिमूव, दिस हैज बीन एडेड. तो इसके पहले हम सिर्फ कॉम्पोजिशन और इन असेंबलीज, इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम इनके सारे चार चार फंक्शंस पढ़ने वाले, चाहे वो WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ये सारी हो, इन सब के अब हमें चार फंक्शंस जो है सिलेबस में एड कर दिए गए. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जवाहरलाल नेहरू का रोल उसमें से हटा दिया गया है. एड क्या किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट नसर एंड जोसेफ ब्रोस टिटो, ये तीन लोगों का नाम ऐड कर दिया गया है, थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड. अब जल्दी जल्दी बात करते हैं ज्योग्राफी की. मैप वर्क में बच्चा ये हिल्स और आपका ये जो भी चीजें हैं, ये ब्लू में हाईलाइटेड, दिस हैज बीन रिमूव्ड. ओके, सो व्हाट हैज बीन रिमूव्ड? आपके हिल्स, आपकी वैलीज, रिज, वाटर डिवाइड, एस्कार्पमेंट, ये चीजें जो आपके डेफिनेशन थी, ये टोपोग्राफिकल मैप्स की, इसको हटा दिया गया है, और रिलेटिव हाइट एंड डेप्थ भी हटा दिया गया. साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टिंट्स के साथ कन्वेंशनल सिंबल्स जो हम करते थे, अब ये कन्वेंशनल सिंबल्स हमें नहीं करने, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा. इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द साइट्स, आइडेंटिफाई करने में हमें टाइप्स ऑफ लैंड या लैंड कवर नहीं देखना है. क्या देखना है? टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन हैज बीन एडेड, एंड द टाइप्स ऑफ लैंड हैज बीन रिमूव्ड. आप देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज में डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड पैटर्न हटाया गया है, लेकिन देयर हैज बीन अ ह्यूज एडिशन ऑफ डेंड्रिक, ट्रेलिस, रेडियल एंड दिस अपियरिंग यू नो एंड सेटलमेंट पैटर्न्स, स्कैटर्ड, कॉम्पैक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ऑफ रिवर, ये सब कुछ अब एड कर दिया गया है. ठीक है, सिलेबस रिडक्शन प्रॉबेबली CBSE के लिए हो सकता है, ऐसा लिखा गया है सर्कुलर में. अभी होगा, कितना होगा, कब होगा, वो पता नहीं है. ठीक है बच्चा, उसके बाद मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिलेटिव हाइट, डेप्थ, ब्रोकन ग्राउंड, सर्वे ट्री, फायर लाइन, कॉजवे, एक्वेडक्ट एंड डिगी हैज बीन एडेड. मैप ऑफ इंडिया में क्या हटाया गया?
तो माउंटेन पीक्स एंड प्लेटोज में काराकोरम, खासी, जयंतिया, माउंट गॉडविन, ऑस्टिन, गारो, ये हमें नहीं करना है. ये लास्ट ईयर भी हटाया गया था, इस बार भी हटाया गया है, ठीक है. उसके साथ साथ प्लेन्स में हमें कनरा एंड नॉर्दर्न सर्कल्स नहीं करने हैं. रिवर्स में रावी, ब्यास, चिनाब, घाघरा, गोमती, गंडक, सन, सोन एंड दामोदर हैज बीन रिमूव्ड. गल्फ ऑफ मनार एंड पाक स्ट्रेट फ्रॉम द वॉटर बॉडीज हैज बीन रिमूव्ड. पासेस में हमें सिर्फ काराकोरम पास करना है, बाकी सब कुछ हटा दिया गया है. लास्ट ईयर से ज्यादा यहाँ पे मैप वर्क में हटाया गया है. और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में हमें सिर्फ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करती है, सिर्फ वो पता होना चाहिए, ठीक है. राइट, विजनरी स्टडी, परफेक्ट. अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड्स में. बच्चा यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिमूव्ड. आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में दिग्बॉय और सिंघूम रिमूव्ड. सॉइल में लैटराइट और रेड सॉइल नहीं करना है. आप सिटीज में आपके हैदराबाद से लेके विशाखापट्टनम तक के सारे सिटीज को हटा दिया गया, लेकिन पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आए. अब अगर चैप्टर्स की बात करें तो लोकेशन एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स इज एज इट इज. हम अगर क्लाइमेट में देखें तो यहाँ पे एडिशन है, तो क्लाइमेट में जो भी चीजें थी वो वैसी की वैसी रह गई. इनफैक्ट थोड़ा सा ऐड हो गया, वो है क्लाइमेट डेटा. तो अब हमें क्लाइमेट डेटा भी करना होगा. अगर बात करते हैं सॉइल इरोजन की, तो यहाँ पे कॉजेज प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन को हटा दिया गया पूरी तरीके से. क्यों होता है, कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे, इन चीजों के बारे में बात नहीं होगी. बात किस चीज की होगी, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, कौन से वो एजेंट्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो इस इरोजन को कॉज करते हैं, मेथड्स क्या है कंजर्वेशन के, उनका मतलब और उनका प्रैक्टिस, द सिस्टम दैट वी यूज. नेचुरल वेजिटेशन में भी हुई है एडिशन. तो आप देख रहे हो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा एडिशन हुई है. यश हो जाने दो ना सीबीएसई का, फिर वो पता चल जाएगा. अभी आईसीसी का क्लियर पता है तो वो पता करें अभी, है ना संजीव, क्लियर तान्या. तो बच्चे फॉरेस्ट कंजर्वेशन में ऐड हो गया है, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, रीअफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री. इन सारी चीजों का मतलब अब हमें जानना है, पहले नहीं जानना था. सिमिलरली वाटर रिसोर्सेज में वेल्स, कनाल्स, टैंक्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, एरिया कंडीशन एंड एडवांटेजेस हैज बीन एडेड. कमिंग टू मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर में लोकेशन एंड स्टेट कैसे बेनिफिट करिए, कौन से स्टेट को बेनिफिट हो रहा है ये हम पढ़ेंगे. लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में टाइडल और जियोथर्मल हटा दिया गया. लास्ट ईयर ये सिलेबस में था, इस बार ये हटा दी गई है. एग्रीकल्चर में बच्चा आपको ये पूरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो आपका सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, शिफ्टिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्लांटेशन है, ये सब कुछ रिमूव कर दिया गया है. और क्रॉप्स में अब हमें मिलेट्स, सोयाबीन, जूट और कॉफी नहीं कवर करना है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सिल्क इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एनीमोर. हमें सिर्फ शुगर, टेक्सटाइल और कॉटन करना है. और अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो हम टिस्को को नहीं पढ़ेंगे, विशाखापट्टनम को नहीं पढ़ेंगे, भिलाई को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ टाटा स्टील के बारे में और बाकी राउरकेला, पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ट्रांसपोर्ट में बच्चे आपके रोडवेज में सारे हाईवेज जो थे, वो जितने भी तरीके के रोड्स होते हैं, दैट हैज बीन रिमूव्ड. बाकी रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज स्टेज इंटैक्ट. वेस्ट मैनेजमेंट में पूरा इंपैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन कंप्लीटली हैज बीन रिमूव्ड. द रेस्ट, द नीड ऑफ इट, द मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल, द 3 आर्स, ऑल ऑफ दिस इज स्टिल देयर इन आवर सिलेबस. Now guys, just remember that with the pro subscription, अब आपको मिल रहे हैं pro exclusive micro courses, जहाँ पे specific chapter या topic को किया जा रहा है cover with your favorite master teachers from YouTube. It could be Anubha ma'am, it could be Amit sir, Amrit sir, Ankana ma'am, Abhishek sir, Harsh sir, इन सारे लोगों के exclusive प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज अब आपको मिलेंगे. 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ये, इट्स गोना कॉन्टिन्यूसली गो ऑन. मैंने ये कर लिया है सेशन, ये वाला मेरा होने वाला है 29th and 30th जुलाई को. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है पॉलिटिकल साइंस में कि पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, तो ये सारे सेशंस में आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी. गो हेड एंड एनरोल योर सेल्फ. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. आपको लग रहा होगा मैम प्रो क्या करें फिर, तो एक महीने का ट्रायल पैक ले लो. इस ट्रायल पैक में भी आप माइक्रो कोर्स को कर सकते हो सब्सक्राइब. तो आपने करना क्या है, सिर्फ लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पिंट कमेंट सेक्शन में जाना है और कोड एंक प्रो लगाना है. बच्चे जैसे ही कोड अप्लाई करोगे, टोटल जो है 20% डिस्काउंट आपने मिल जाएगा.
अब इसी बात पे फटाफट हिट कर दीजिए लाइक बटन इफ यू फाउंड दिस सेशन सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल एंड आई थिंक द वे द सिलेबस हैज एक्चुअली बीन शोन फॉर यू इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ब्लू स्टैंड्स फॉर रिमूव्ड सिलेबस, व्हाइट हाइलाइट्स स्टैंड्स फॉर सिलेबस विच हैज बीन एडेड. ठीक है, तो आई विल एक्चुअली राइट ब्लू हाईलाइट. ब्लू हाईलाइट वॉज फॉर removed portion, removed portion, and the white highlight is for the added portion. ठीक है, added portion. तो कुछ चीजें add हुई है, कुछ चीजें हटा दी गई है, वो आपको दिख रही है, आपके साथ ये शेयर हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, आप चेकआउट कर लेना. बाकी आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टिल देन स्टूडेंट्स stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye everyone. Have a great evening. ठीक है बच्चे? Yes. Bye Anisha, Manoj, Prithviraj, Shiva, Aditya. Bye Prithvijit, Shehnaz. Bye बच्चे. Bye Aditya. How to join micro courses? बच्चा आप अगर normal micro course कोई दूसरा ले रहे हो तो you just have to buy that micro course from the website. Otherwise, अगर आप pro exclusive courses ले रहे हो तो आप pro को में enroll कर लो, pro subscription ले लो, एक महीने का ले सकते हो if you just want to give a trial. Otherwise, take for entire year. Go in the description box, pro subscription का link वहां पे, click on that link and apply my code ANKPRO, get 20% discount. ठीक है, so that is what you guys are supposed to do and I will see you guys. Vaishnavi, Manju, Sangeeta, Mitlesh, Manaswani, Manisha, Pragati, Rishabh, Jamila, Manisha, everybody in the next session, which is live only after 2 weeks. So I'll basically see you guys live after 2 weeks. So till then, students, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Have a great evening. Bye, everyone. Have a great time.